एडिंग स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम सीखेंगे आइटम क्रिएट करना। किस कंपनी की प्रोडक्ट लिस्ट है तो आपको पता है ना, आप कंपनी में करें तो आपको पहले पता होना कि क्या क्या प्रोडक्ट रखने वाले हैं। तो वही लिस्ट कुछ हमारे पास है, वही लिस्ट आज हमें बनाना। तो याद करिए, जब पहली बार हमने आइटम बनवाया था 2,20,000 का आइटम बनाने का, मैं कहता था पहले ग्रुप बनाइए, तब कैटेगरी, लास्ट में आइटम बनाइए, पर वो सब फंडा खत्म। अब पहले बार आइटम ही बना ली कोई दिक्कत, लेकिन ये तरीका, क्योंकि आप लोग उस टाइम आप क्या थे, स्टार्टिंग पॉइंट था ना, उसी हुआ थे यार। अब आप परिपक्व हो गए, ठीक है, उसका परिचय दीजिए आप लोग कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सुनिए मेरी बात, मैंने बहुत बार ये बात कहा है कि आइटम का नाम जो भी दिया है, पढ़ेंगे तो उसी में सारी चीजें आ जाती है। जैसे इतना बड़ा नाम दिया, लेनोवो 100 वायरलेस कॉम्बो कीबोर्ड, तो नाम से पता चल जा रहा है कि आइटम का नाम क्या है, कीबोर्ड है। इतना बड़ा दिया, उसमें नहीं है कीबोर्ड, तो उसका अंडर वही हो जाता है कीबोर्ड। अच्छा, किस कंपनी का है वही कैटेगरी हो जाती है, किस कंपनी का है लेनोवो, वही कंपनी हो गया। समझा की बात ना? और ये बात तो आपको पहले से पता है कि टैक्स जीएसटी कहाँ लगाते हैं, ग्रुप पे। जीएसटी कहाँ लगता है, ग्रुप पे, याद है भाई बात। चलिए करते हैं आज का, पहला आइटम बनाएंगे। आइटम कहाँ बनाते हैं, क्रिएट में और स्टॉक आइटम। पहली हर बार ग्रुप कैटेगरी बनाते थे, इस बार डायरेक्टली आइटम बनाएंगे, कैसे चले देखेंगे। क्योंकि आपका तरीका सही गया, जहाँ जो नहीं है वहीं पर सीधा बात बना देंगे, चाहे लेजर हो गया, चाहे कोई भी चीज हो गया, तरीका सही गया हो ना। पहला आइटम क्या बनाना है, लेनोवो वायरलेस कम्बो, एक ऑप्शन बढ़ा देना कीबोर्ड का, सिम बढ़ा देना कीबोर्ड, क्या है कीबोर्ड। अच्छा, नाम पढ़ने से क्या लग रहा है, क्या है, क्या है, कीबोर्ड है। इसका अंडर ग्रुप क्या होगा, कीबोर्ड ही होगा, क्या होगा, कीबोर्ड होगा। ले लीजिए इंटर, इंटर, और यहाँ ले लीजिए यहाँ पे कीबोर्ड। कीबोर्ड बना ही नहीं है, तो नहीं बना, बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा, क्या दबा देंगे, ऑल्ट सी, देखिए, और ये कीबोर्ड। और यहाँ पे क्या करते हैं बताइए आप लोग, जस्ट करते हैं यहाँ, ऐसे से नंबर डाल देते हैं, जिससे नंबर दिया होगा क्या, 84, 71, 60 है क्या, हाँ। और यहाँ क्या लेंगे बताइए आप लोग, सामने देखिए, सामने क्या लेंगे, यहाँ पे कितना परसेंट होगी। अच्छा, इसका कैटेगरी क्या होगा, यानी कंपनी क्या होगी, लेनोवो, लेनोवो बना है, यहाँ क्या लेंगे, टीसीएस, हो गया एक आइटम बन, एक आइटम बन गया। अगला बनाइए SA20 बनाना है, आईवाल, आईवाल, अरे यार इसमें क्या होता है, ये भी कीबोर्ड ही है, क्या है, कीबोर्ड ही है, थोड़ा तो आगे बढ़ा दिया जाएगा, कीबोर्ड, अंडर बुक क्या होगा, कीबोर्ड ही होगा। यहाँ क्या लेंगे, किस कंपनी का है, आई बार बना है, हाँ क्या करेंगे, अल्ट सी, क्या बनाएंगे, आई इंटर, इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए, यहाँ क्या लेंगे, पीछे हो गया, एक्सेप्ट कर लीजिए, हो गया, दो आइटम बन गए, देख रहे ना कितना आसान है। चलिए अगला बनाइए, क्या है, डेल 1220 DLP प्रोजेक्टर, क्या है, डेल 1220 DLP प्रोजेक्टर, और उसको बना लीजिए, क्या है, नाम पता चल जा रहा है ना, क्या है, प्रोजेक्टर है, इंटर करिए, इंटर करिए, स्टार्टर ग्रुप क्या होगा, प्रोजेक्टर होगा, प्रोजेक्टर बना ही नहीं है, और सी करके क्या बनाएंगे, ग्रुप प्रोजेक्टर, और प्रोजेक्टर इसमें जीएसटी लगाएंगे ना, ग्रुप पे, यस, एसएससी नंबर बता दीजिए, 84, 77, 60, टैक्सेबल नहीं क्या है, बोला तो ये बता रहा है, तो मैं क्या जानता हूँ, नहीं को ट्यूलिप पार्क होते हैं, 88 बोला तो, नहीं ठीक है, इतना भयंकर दिया, और इंटर करेंगे, यहाँ क्या लेंगे, और यहाँ पे 28% दिया होगा, देखिए मुझे पर 28 दिया होगा, चलिए यहाँ क्या हो, डेल्टा बनाएंगे ना अंशी करके, यहाँ पे और बन गया, अगला आइटम बनाएंगे, ऐसे बनाते जाना, ये है, ऐसे ये भी प्रोजेक्टर ही है, लेकिन कैटेगरी क्या हो जाएगा इसका,
सर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंपनी बदल गई ना, ये सर बना नहीं होगा अर्जी करके, ये सही है इसलिए। हेलो हाँ आपको अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है ईवीएम तो पास हो गया, ईवीएम भी है ध्यान दीजिए आप। चलिए अगला आइटम बनाते हैं, अगला आइटम क्या है, एसर हो गया था ना, हाँ अब क्या है, एक इसका पूरा नाम एसपी लेजर जेट 10-20 प्लस प्रिंटर हो, क्या होगा प्रिंटर, अंडरग्रुप क्या होगा प्रिंटर ही होगा, प्रिंटर बना नहीं है, कटसी करके क्या बनाएंगे, प्रिंटर बनाएंगे। अच्छा इंटर इंटर इंटर, यहाँ क्या करेंगे यस करेंगे और क्या करेंगे इंटर कर देंगे। अच्छा डिस्क्रिप्शन कुछ करना नहीं है, इंटर एसएसएन नंबर लिया होगा सही, चौरासी 71 4 ठीक है यहाँ ले लेंगे टेक्स्ट टेबल। अच्छा कितना परसेंट टेक्स्ट दिया होगा, 12 दिया होगा, यहाँ क्या लेंगे एचपी का, एचपी बना नहीं है अड़सी, एचपी समझ आ रहा है ना आप लोगों, जो नहीं बना ना अड़सी तो दबाना है, बताइए आगे अगला आइटम, यहाँ मैं देख लिया अगला आइटम है कैनो स्कोन लाइट स्कैनर है, क्या है स्कैनर, अंडर ग्रुप क्या होगा इसका, स्कैनर होगा बनाना पड़ेगा ना, अल्ट सी स्कैनर यस करेंगे, एसएसएन नंबर यहाँ और यहाँ, यहाँ क्या लेंगे कैनन का अल्ट सी करके कैनन कैनल बना दीजिए ठीक है, और यहाँ पीछे ओके नेक्स्ट ऐसे बनाते जाइए डेल का, क्या है मॉनिटर है नहीं बना कर्सी मॉनिटर, क्या क्या करेंगे और क्या करेंगे ऐसे नंबर 28 कितना परसेंट, यहाँ पे डेल का पीछे देख रहे ना कैसे बन रहा है, ये कीबोर्ड है अंडर ग्रुप क्या होगा इसका, कीबोर्ड ही होगा, कंपनी की कैटेगरी क्या होगी, क्या होगी इंडेक्स होगी और क्या होगी, बताइए नेक्स्ट है एचपी कोर i3 लैपटॉप है, कोर i3 अंडर ग्रुप क्या होगा लैपटॉप ही होगा, अर्ची का बनाना पड़ेगा यस, एसएसएन नंबर चलाती टेक्सेबल
ठीक है, उसके बाद कैटेगरी क्या होगी, यूनिट जरूर लीजिएगा, यूनिट नहीं लेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। उसके बाद ये है ऑल ऑन प्रिंटर, मतलब क्या होगा प्रिंटर होगा कंपनी एचपी। ये बात क्या है, तीन कार्टेज प्रिंटर का कार्टेज है, इससे छापता है वो, तो बनाना पड़ेगा इसका ग्रुप बनाना पड़ेगा, क्या किस नाम से, प्रिंटर कार्ट हट सी करके प्रिंटर कार्टेज नाम से बनाएंगे। यस करेंगे, एजेंसी नंबर बता दीजिए, 84 43 टैक्सेबल 18% है ना, कंपनी एसपी। तो क्या दिया हुआ है, नहीं यहाँ गलत दिया है, जाते किस नाम बना लीजिए, जेके प्रिंटर पेपर बना लीजिए, इसको एडिट कर लीजिए इस आइटम का नाम, जेके प्रिंटर पेपर बना लीजिए, जेके A4 प्रिंटर पेपर ऐसा लिख लीजिए। हाँ यहाँ लिख लीजिए जेके A4 प्रिंटर पेपर, लिखिए यहाँ सामने में लिखा हो, लिखिए जेके A4 प्रिंटर पेपर, प्रिंटर ये क्या होगा, प्रिंटर अंडरवुड क्या होगा, प्रिंटर पेपर हो जाएगा, अल्ट सी अंडरवुड क्या हो जाएगा, प्रिंटर पेपर हो जाएगा। देखिए प्रिंटर पेपर पे 12% टैक्स लगा हुआ है, एसएससी नंबर बताइए। टैक्सेबल कितना परसेंट, कंपनी क्या होगी, जेके है, अल्ट सी जेके, और यहाँ पीछे हो गया, समझ गया, मॉडिफाई कर लीजिएगा। उसके बाद से क्या है, कहाँ तक पहुंच गया तुम, यहीं तक प्रोजेक्टर नहीं होगा। अगला है बड़ौदा का प्रिंटर है, बड़ौदा एचएल डीएन प्रिंटर है, मॉडल नंबर सारी चीजें दी हुई आपको, अंडरबुक क्या होगा, प्रिंटर है तो प्रिंटर है होगा, कंपनी का नाम क्या होगा, ब्रदर, पता है कंपनी का ही नाम है ब्रदर, इप्सन का भी क्या है, प्रिंटर ही है, क्या है प्रिंटर है, और कैटेगरी का नाम क्या रहेगा, इप्सन आर्ट सी करके क्या बनाएंगे, क्या है कैनल का लेवल भी प्रिंटर, ए भी है, ये भी क्या है एलपीपी प्रिंटर, इसका मतलब क्या होगा प्रिंटर ही होगा, और कैटेगरी क्या होगी, कैनन होगी। इसके बाद क्या है, इंटेक्स कैबिनेट है, क्या है कंप्यूटर केस है, क्या कंप्यूटर केस है ना, यस करिए, सिस्टम नंबर बता दीजिए, 71 60 भी है, इंडेक्स क्या है, इंडेक्स हो जाएगा कंपनी, आप पीछे ले लिया फोटो ले सकते, चल क्या है एसएस मदरबोर्ड है, बनाना पड़ेगा ना, क्या बनाएंगे और सी करके मदर, सी नंबर का ये टैक्सेबल 4%,
और यहाँ क्या रहेगा, एस एस बनाना पड़ेगा ना, ASUS। और अगला क्या है, इसको 61 कर लीजिएगा, जो लिखा हुआ यस 6 लिखा हुआ है, यस 61 होगा। यस 61 होगा, देख लीजिएगा। हो गया, क्या हो गया है, रैम 2 GB। यहाँ DDR2 होगा, क्या होगा, DDR2 होगा, R2, R छूटा हुआ है, देख लीजिए। तो बनाना पड़ेगा क्या, रैम बनाना पड़ेगा ना, अच्छी करके रैम। SSL नंबर बता दीजिए सबको, वही है क्या, इसका इसमें कंपनी नहीं पता चल पा रही है ना, नॉट एप्लीकेबल ही रहने, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे क्या लेंगे, विशेष और लास्ट है आपका, यहाँ पे कंपनी देखो, यहाँ पे दिया है HDDWD, तो पेश कर दिया, ये HDD, HDD का मतलब हार्ड डिस्क, बस HDD। यस, इसका सेशन नंबर 84, 71 चार्ट भी है। क्या है कंपनी के नाम क्या दिया है, WD ना, इसे खत्म हो गया। हमने ना देखो स्टॉक आइटम बना दिया, ये आज आपको यही करना है, 20 बनाना है और पढ़ाई करें दे, इतना 20 बनाना है आज की क्लास, ठीक है। अब कल हम लोग पार्टी का नाम बनाना है, ठीक है। तो दिक्कत है, तो आपने देखा कैसे हम पहले स्टार्टिंग में तो आपको मैंने बताया था कि पहले ग्रुप बनाइए, कैटेगरी बनाइए, यूनिट बनाइए, गोडाउन बनाइए, बाद में बनाइए, लेकिन अब आप परफेक्ट हो चुके हो, अब आप लोगों को जानकारी हो चुकी है टैली के बारे में, इसलिए मैंने डायरेक्ट आइटम बनाया है। जो चीज़ नहीं बना था वो अच्छी करके बना ली, ये चीज़ मैं पहले दिन भी सिखा सकता था, लेकिन ये थोड़ा ट्रिकी लगता है, उसमें दिमाग उतना काम नहीं करता, क्योंकि वैसे भी आप थोड़े से पढ़ने में तेज हैं, थोड़े और तेज हो जाएंगे, इसीलिए मैंने ये तरीका बनाया, ठीक है। तो दिक्कत, थैंक यू क्लास, टाइम बचा हुआ।